आज नूह के कोटला झील में एक बहुत दर्दनाक हादसा पेश आया चार युवक एक किश्ती में बैठे हुए बैठ गए और वहाँ पर मौत हो गई हरियाणा के नूह में कोटला गांव स्थित कोटला झील में मंगलवार को बहुत बड़ा हादसा हो गया कोटला झील में किश्ती में सैर करने गए पांच युवकों में से चार की मौत हो गई इन चार मरने वालों में तीन आकड़ा गांव के रहने वाले थे इनमें दो सगे भाई भी शामिल हैं जबकि चौथा पुरहाना के, के सिंगलड़ी गांव का रहने वाला था हादसा मंगलवार दोपहर तीन बजे का बताया जा रहा है पाँच एक मुश्ताक तेईस साल यासिर पंद्रह साल शाकिब सत्रह साल साहिल पंद्रह साल निवासी गांव आकेड़ा और नज़ाकत उन्नीस गांव सिंगलेड़ी एक साथ कोटला झील देखने पहुँचे इस दौरान झील के पास रखी एक किश्ती में पाँचों बैठ गए और किश्ती में सैर करने लगे इस बीच युवक सेल्फी लेते हुए सेल्फी लेने के दौरान किस्ती का संतुलन बिगड़ गया और पाँचों उस किश्ती में से नीचे गिर गए और इनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई ये हादसा बहुत दर्दनाक है और इस हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई बताया गया है कि किश्ती पलटने में पांचों झील में गिर गए इस बीच किसी तरह तैरते हुए यासिर तो बाहर निकल गया लेकिन अन्य चारों को तैरना न आने के कारण झील में डूबने लगे यासिर ने बाहर आते ही शोर मचाया तो कुछ दूरी पर मछली पकड़ रहे आकेड़ा गांव का हप्पू और शोर सुनकर आया उसने गांव के लोगों को फ़ोन कर कर बुलाया और उन लोगों को निकाला इस दौरान दो युवकों को किसी तरह पुणे ने बाहर निकाल लिया लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी इसके बाद ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस के आने से पहले ही ग्रामीणों ने अन्य दो युवकों को भी झील से निकाल लिया इस दौरान ग्रामीण उन्हें मेडिकल कॉलेज नहर ले गए लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया चारों को पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम के लिए नूह पीएससी ले जाया गया इस मामले में सदर थाना नूह पुलिस द्वारा एक की कार्रवाई करते हुए देर शाम चारों का पोस्टमार्टम करा दिया और शवों को परिजनों को सौंप दिया पुनहाने के सिंगलड़ी गांव का रहने वाला नज़ाकत गोहाना मोड़ पर स्थित मुश्ताक की एक ले पर काम करता था इस दौरान मुश्ताक और नज़ाकत के बीच कोटला झील देखने का प्रोग्राम बना और गांव के दो सगे भाई साकिब और साहिल सहित यासिर सब मिलकर कोटला झील देखने पहुंच गए लेकिन करीब 10 से 15 में पंद्रह फुट की गहराई पर चारों